جاؤں کہا تو مان لے ارے کیسے میں مانوں بتا دوں تعمیر گارمنٹ کا نام سنے ہیں ہیں تعمیر گارمنٹ کا نام ٹھیک ہے کروا دوں بتا دیا چلے الٹر ٹیلر ہے بچوں کے لیے چلتا یہ خالی الٹر کموے کر رکھے یہ جون سلیا ہے یہ مشینیا رہی ہے تب تھوڑا سا صحیح ہے یہ پورٹریٹ سے مارا ہے بڑی بڑھیا چلے سنکر سے مارا جائے کیسا ہو بھی کاغذ لگا کے کچھ بھی لگا کے نہیں ٹائپ کر رہا ہے جی نہیں بولنا ہے ہم تو بتائے نہ ہولنا ہے الٹر ٹیلر کا نام سنے ہیں الٹر بناوت ہے پورے گرا سنے اب کل کرام پر ہم نے کم کرا ہے حال بڑھیا بھائی الحمد للہ وعلیکم السلام سلمان کو انعام مل چکا ہے سلمان کا یہ انعام ملا نہیں ملا پچاس والا ملا ڈاکٹر کا دیر زبان صاحب پچاس والا انعام پہنچا جن کا تعلق اور بزنس مین ہے تیار ہو رہے ہیں وہاں پہ آؤٹ کی بات کی جا رہی ہے آؤٹ کی بات کی جا رہی ہے لیکن امپائر نے کہا آؤٹ اب جا کے شروع کا چشمہ پہنا دیا آؤٹ کو سارے چاہے آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ایک ساتھ ہاتھ لگا ہے فائن بلڈنگ مٹیریل کو فائن گروپ کو چھوڑ کر دیا گیا ہے ارے تو کھڑے ہوا اچھے کے لیے آپ آؤٹ چل رہے ہیں ہوم ڈیزائن اینڈ کنسلٹر سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں آپ کو گھر پر آنا ہو تو وہاں پہنچے آپ کا نقشہ آپ اپنے بتائیں زمین کے ہماری کتنی اسکوائر فٹ زمین ہے آپ کو بہترین اچھا نقشہ بن کے مل جائے گا ایک ہزار کے لیے اس ٹورنامنٹ میں ریحان سنجلی جیسا بڑا دل والا دل کھول کے لگا ہے اور فائنل ڈے میں ریحان سنجلی صاحب رہیں گے یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا لیکن بابر آزمی آنے والے ہیں ایک بی جے پی لیڈر دلہی سے آ رہے ہیں دلہی سے ایک بی جے پی لیڈر بھی آ رہے ہیں بابر آزمی کے ساتھ اس وقت کا فیتا کاٹنے کے لیے سارے چاوے ایک لمبے والی ماں کے ساتھ پہنچے گا کیا پچاس کیا گفٹ پہنچے گئے چلے گی بہت اونچا اسٹریک ہونے کے چکر میں تو کیچ کی سنبھاونا صادق نے کیچ کیا صادق آؤٹ تو صادق کا کیچ صادق کیا فائن بلڈنگ مٹیریل دبا میں چار پر چار کا مقابلہ ہے جہاں سالک چھوٹا سا بچہ ہے یہاں پہ پانچ اوور کا مقابلہ بتا رہے ہیں یہ چار اوور تو میں کہا چار اوور کا مقابلہ ہو پائے گا چار اوور کا مقابلہ ہوگا لگتا ہے مڑیا سالک صاحب لے لیا ہے لیکن آئے ہیں
तो टचेस में साथ लेकर टहल रहे हैं और टचेस में बहुत मस्तगी महीने में जाने वाला पर उनके बेचारे कब आते हैं कब चले जाते हैं उनसे कोई खुशी उनके तीर्थ पर थी लेकिन अब्दुल्ला है अब्दुल्ला है हम लोग तो यहीं पर रहकर इतना बोर हो जाते हैं कि दोस्त यही घूमने फिरने चलना है तो पांच साल के अंदर एक मौका मिल गया है एक ट्रिप मिल गई कि पांच तारीख को जाना है कैसे ग्यारह को वापस आना है सुजीत के ऊपर है सुजीत टिकट दो ही रन है अब्दुल्ला जरूर टाइप किया एक रन किसी एक रन के साथ अब इस स्कोर का आगाज हुआ है सारिफ जावेद आज बताया जो वह खेल रहे दोस्त आतिस जावेद सारिफ जावेद तो जो भाई की ये पंथों की जो यहाँ पर खेल रही है तो पंथ एक आदमी का इस बार लगते हैं और आप ये देख रहे हैं कि कर रहा है तो का? 27 अरे यार हाल है अब लिखिया कहा है अफ्ताब भाई से झगड़ा कर आए तब कह लिए भाई इस वक्त तीन लगातार जगह बड़ी सिक्स लगाए थे पिछले मुकाबले में और वहीं से शुरुआत की एक बार हाथ के लिए थप्पड़ वाले राज ये क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान में चारों तरफ तुम करा समझते इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं सलमान पाए हाथ के बल्लेबाज सारी की गेंद को एक दुखद घटना इस भारतीय क्रिकेट के लिए भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का दिल्ली जाते हुए रास्ते में आज रुड़की में उनका कार दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गए और अभी भी हालात उनके स्थिर नहीं है कमरियम चोट लग गई बहुत तगड़ी मंजीर पट्टी शायद कल आएगी भाई हम लोग क्या तो आज मौसम ठीक है भाई आपका इनबॉक्स में मैसेज कर सकता हूँ करिए भाई इनबॉक्स में आइए नाइट सीजन में आइए मुलाकात होती है ये हवा हो फिर उसके बाद एक बड़ी खूबसूरत हाथी का इजाद किया और आले की हो जाए पा इनोग्रेशन किया इस संदरी कप पहली बार आगलाइन जो रहा है मैं संदरी कप में तमाम जो हजरात हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में सहयोग दिया मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ आराम से बाबू चल रहा है अब हम देख रहे हैं हजरत के हाथ में गेंद सौंपी गई है लगातार अपने छोटे के दो ओवर कर लेते हैं हजरत सलमान के लिए कैसे गेंदबाजी करते हैं जिस तरीके की सलमान की फॉर्म नजर आ रही है ठीक है ठीक है ठीक अब्दुल्ला भाई शानदार टूर्नामेंट का आयोजन किया है सब कुछ अच्छा रहा इस टूर्नामेंट में आज तीसरा दिन है और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई इंशाल्लाह अहमद बिन अयाद भाई से देखी है चाहे मोहम्मद आसिफ से देखी हो चाहे डॉक्टर सफीक साहब से देखी हो सभी ने अपने कारोबार को जो जिम्मेदारी को दायित्व समझी है बिना किसी भेदभाव में निभाया है और मैदान पर जो अंपायर होता है वो सर्वोच्च होता है जिंदगी रही तो फिर अच्छी तरह के लिए बराबर का हकदार होते हैं और अंपायर ही मैदान पर सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं संभावना बनती तो मैं कैसे पकड़ने के लिए तैयार हूँ स्कोर हो गया हम
कप्तान अच्छा चांस है कप्तान अच्छा चांस है भाई बंद बोल क्या हो कानून है क्या कादिर अच्छा दो रन लिया था ठीक है भाई हिंदुस्तान का सबसे पत्थर हो रहा है इस वक्त और जो अगर मैनेजमेंट सुन रहा है वो श्रमिक मैनेजमेंट से लगातार तीन दिन रिक्वेस्ट की गई कि भाई कस्बा माहौल के लिए जो रास्ता जाता है उसको बनवा दिया जाए एप्लीकेशन कहाँ पड़ी हुई है ये पता नहीं चल रहा है बहुत शुक्रिया अब ये सारी चीजों को दुरुस्त करना है समाज में देखिए हर संभव प्रयास करना चाहिए इस बार और चाह रहे थे लेकिन गेंद सही तरीके से पहले पर सज नहीं हुई लेकिन फिर भी एक रन बनाने से नहीं रोक पाए न स्ट्राइकिंग दूर पहुंचे नए बल्लेबाजी करने के लिए आए काबिल को टिकट करने के बाद अब्दुल्ला लगातार पीछे गिर रही है लेकिन एक इनसे अपने आप को संभाले हुए हैं दूसरे ओवर में चल रहा है अब्दुल्ला एक अच्छे खिलाड़ी है आक्रमक खिलाड़ी है एक स्वीप के साथ एक शॉर्ट पॉइंट के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं रन डाउन हो चुके हैं पैरों पर झुकते हुए खिलाए सीधे लगाओं पर जहाँ पर सलमान खड़े हैं नेतों के दर्शन लिया कोई एक रन बनाने का मौका और भी समाप्त हो चुका मोहम्मद आसिफ और अंधे खड़े डॉक्टर सफीक इस वक्त क्या लाजवाब अंपायरिंग का मुजाहरा किया इस प्रक्रिया में अरे भाई लगातार हर काम के साथ तैयार करो हमारे गुनाई बहुत बढ़िया काम से बनाया है आप जाना जानते हैं मेरी मेहनत की है हमें बताते हैं मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हर मैच में दिया जा रहा है ये चमचमाती हुई खूबसूरत ट्रॉफियों से नवाजा जा रहा है और इस बार की तरफ हम देख रहे हैं रुक कर रहे हैं रुकवा दिए रन ओवर 21 रन करीब जावे कप्तान ऑफ इंडिया निकले गेंदबाजी के लिए राइट ओवर द विकेट ताइने हाथ में मध्यम गति के दबाज है ताइने हाथ में भाई सलमान तो आउट हो सेम फील्ड के साथ पहले ओवर में इस बार पहले पास ही गेंद यहां पर हम देख रहे हैं कि एक रन बनाने से जड़ बल्लेबाजों को नहीं रोक पाए काफी चलाकी भरी यहां हम अब मुझे लगता है मैंने गलती से वही एक रन के डिसमिस होने की वजह से मैंने सलमान की जगह सादिक अब्दुल्ला को आउट कर दिया था थोड़ा सा मिस्टेक हुई है इसरौली अभी तक नहीं खेली है हो सकता है कल खेले
हो सकता है, हो सकता है नसीरपुर, हो सकता है खेतासराय, खंडवारी हो सकता है, सब टीमें आएगी कल, आठ टीम की जगह भी है। इस पूरी श्रृंखला में ये बड़ी बात होती है, लगातार मैच हो रहे हैं, एक दिन में सात सात मैच होते हैं। और हम बात करें कलिया में इंडियन से कहो टाइमिये ना रही है, और निशान कहा तो जल्दी से बना एक भेज। स्कोर हो गया 31 रन, 31 रन लाके बनाओ दया डंडा ना करो। तो मौका लगे जैसे तय भेजे वैसे महू बना के भेजो। और इसका मतलब कि नए बल्लेबाज का आगमन हुआ, क्या लाजवाब कमेंट्री करते हैं समझे। असल में मैदान के बारे में बिजी हो गया साला कमोए में, और अपने जो भी आ गए मेहमानों का क्या खूबसूरत अंदाज में उनका कैसे बोला जाता है अपने लड़कों से, और आने वाले हमारे युवा कमेंटेटर से जो आगे करते हैं या आसपास जिले में जैसे ताली भाई है, चोरसेन है, उनके अलावा और जो भी कमेंटेटर से मैं उनको भी शाम दिन कहता हूँ, ये आप लगे रहिए आगे बढ़ते रहिए। अपने जो भी योजना उससे बढ़ रही है, 31 रन बोर्ड पर लगे हैं, तो आने वाले देखा ना मौका है यार। 8 तारीख को आगामी जनवरी में अंडमान क्रिकेट टूर्नामेंट जो राजा प्रसिद्ध राय की सरजमी पर होने जा रहा है, 6 खिलाड़ी एक ग्राम सभा के, 5 खिलाड़ी एक ग्राम सभा के, क्या आशीष साहब थक चुके हैं? नहीं, बिल्कुल अब मुस्तैद हो चुके हैं, स्टैंड हो चुके हैं, शानदार सब कुछ देखने में जीत बल्ले का मुझे लगा है, खराब फील्डिंग, बिल्कुल खराब फील्डिंग में मानूंगा, ये सिर्फ रखा के बाहर जा रही है, ऐसे लग रहा है मानो किसी ने बैटरी लगा दी थी, पैर फिसल गए और ये गेंद बाउंड्री सीमा रेखा की तरफ चली गई। चार रन स्कोर पर दिखा 35 रन 35 रन पहुंच चुके हैं। अच्छा खेल देखने को मिल सकता है, फाइनल मुकाबले की चपेट जैसे जैसे नजदीक आ रही है, कल तो महामुकाबला होने वाला है, कल ओसामा इंड कंपनी आ रही है अपने तमाम खिलाड़ियों के साथ, कल मंजीव पट्टी में आप देख सकते हैं संजय गगन आ रही है, ऐसी तमाम बड़ी बड़ी टीमें पार्टिसिपेट करने का कल बताता है। आज हर टीम में एक से एक शानदार खिलाड़ी खड़े हुए, ग्रामसभा में पहले अक्सर देखा जाता था कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन अब हर ग्राम सभा में 4-5 ऐसे खिलाड़ी देखने को मिल गए। ओवरऑल स्कोर जब पहुंचा 35 रन, नहीं कवर पे है सब्बू भाई, एक रन ओवर भी समाप्त हो चुका है, हम देख रहे हैं ये अपने कोटे का अंतिम ओवर भी यहाँ पर समाप्त कर लिया है, सारे जा रहे थे आउट कह दियो मैं, ओके जोन बैटिंग कर रहा था है ये भाई नहीं होगा मैं आउट कह चुके हैं अब्दुल्ला सलमान भाई चला था के फिगवा हुआ थे मैं कल बनवाया और तो आए कहियो अल्टर टेलर से लिया चल नहीं हाँ उसके पहले वाला आप दुबई से देख रहे हैं अच्छी बात है भाई इसी रोड पर इसी मैच के दौरान उल्टा भेजा है सीधे गई कहा संजयपुर से गए भेजा है ताजपुर के खेमे में शानदार ये छक्का यार बोले मत इतना गोली आई भाई किए थे हैट्रिक 6 पर 100 रुपए का इनाम है अब्दुल्ला के लिए। इस बार टाउन को तक राउंड खेलने का प्रयास था लेकिन अभी तैयार थे खेल को डेटर किया है और हम देख रहे हैं यहाँ पर एक बड़ा हाथ लगा है अब्दुल्ला अपनी साइड पर ज्यादा रखने का प्रयास कर रहे हैं उनका प्रयास है कि बची हुई 4 गेंदे हैं अगर हम 4 गेंदे खेल गए तो कुछ ना कुछ रन बोर्ड पर लगा देंगे। जो भी गाड़ियां रोड पर खड़ी है मैं उनसे चाहूंगा 3-4 तो एकदम नहीं है लेकिन वैसे ही दंगी है जो भी हमारे जो वॉलंटियर्स हैं जो बेच पर ढूंढ रहे हैं लगातार उनको भी खुशामदीद कहता हूँ।
कि मेरे दोस्त जैसे कोई फिल्म होती है हीरो हीरोइन या जो भी रहते हैं अपना नायक नायिका अपना परफॉर्मेंस देते हैं वैसे ही क्रिकेट के अंदर जो होते हैं जो मैच करवाने वाले जो आयोजन करते भाई संजरपुर में हो रहा है उन लोगों का भी बहुत योगदान होता है उसे भी इसी अगली गेंद और अब्दुल नायक का अच्छे अंदाज में खेला है सरीखे अंदाज में खेला है अत्याधुनिक तरीके से इस शॉट को खेला है रिपीटेड उसी वाले धागे बाहर नहीं गई छक्के रहना बोलिए छक्कों की बहुत अब्दुल्ला का इसीलिए विकेट बचाया अपनी टीम से लगा की टीम उच्चा स्तर बहुत पर लग चुके हैं वाला मुगल दिक्कत हो सकती है इसी बीच अगले सलमान लेकिन खाली चावल ने अच्छा प्रयास किया लेकिन इस पर इंडिया रन की मदद से कब्जा पहुंचा मैं ये पहन करूंगा कोटिला लिया अफगान भाई तो ऊपर पहनने वाली है ना वो खाली है ना पहनने के अंतिम ओवर चल रहा है खड़े के लिए काफी अपार है ना बड़ी शॉट्स के लिए गए लेकिन फिर भी नाकामयाब है इसलिए मैं लगातार नसीरपुर हो सकता है कल आए आपका भाई का लाजवाब लेना पड़े काम को अंजाम दिया पूरे दिन सुबह से कुर्सी पर बैठकर शाम तक अपना काम करते हैं और अच्छे अंदाज में काम करते हैं सारी मेहनत मशक्कत करते हैं लोगों के सवाल के जवाब देते हैं अपने चैनल पर जो भी जुड़े रहते हैं उनको सारी चीजों को याद कराते हैं इनिंग का खात्मा हुआ एक इनिंग समाप्त हो चुकी है खड़े वहां की पावर रन और मैं चाहूंगा जितने 53 का टारगेट है भाई 53 का और अगर ये मैच इनकेस अगर रुकता है अगर हम पार लाते भी है तो ये जो मैच का जितनी गेंद बची रही यानी मैच का जो समय होगा मैच वहीं से शुरू होगा जहां से मैच रुका रहेगा ये नहीं कि अगले दिन नए सिरे से मैच होगा इस बात को ध्यान में रखें इस मैदान पर हम आपको बता दें ये जो पीछे जो आपको दिख रही है दीवार कहां से ये कमर राशिद साहब दिखा रहे इसके पीछे हम आपको बता दें यहाँ पर कामरान खान आई एल स्टार इकबाल अब्दुल्ला जैसे क्रिकेटर और संजयपुर का ये जो ग्राउंड है काफी चर्चित ग्राउंड रहा है पुराना ग्राउंड रहा है यादगार ग्राउंड रहा है लेकिन जिन्हें इसे ग्रीन पार्क स्टेडियम का नाम दिया गया था ग्रीन पार्क जो नाम दिया गया था लेकिन आज के समय में यदि किसी ग्रीन पार्क से कम नहीं है हरियाली है इस विकेट के ऊपर हरी घासें हैं टाइम लगा सकते हैं कोई भी खेलेगा आसानी से लेकिन जैसे जैसे ये नंबर भाई रेंजर्स सुहेल भाई लड़का खेलिए लेकिन जब तक ये बल्लेबाज है सलमान और उनका साथ देने के लिए जा रहे हैं मैदान पर इस वक्त शाकिब सादिक जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए ये छोटे कद के हैं लेकिन सलमान ने इसे पिछले वाले मुकाबले के अच्छी परफॉर्मेंस की थी आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला है कल बड़े बड़े मुकाबले हो रहे हैं इन्होंने अपने ओर से रन बनवा दिए ना कल बड़ी बड़ी टीमें आ रही हैं देखने से किसी की बड़ी खराब दिख रही है भाई मेरे इनबॉक्स में आ जाओ वहाँ पे नंबर मिल जाएगा इस पेज के इनबॉक्स में जाइए आप लिखिए हाय हेलो नंबर वंबर वैसे मेरे पेज पे नंबर है इस पेज पे जाइए प्रोफाइल पे जब जाएंगे तो वहाँ नंबर है ये भी हाँ भाई फाइन ग्रुप खरेवा जब अपने स्टोर
हैं तो क्या करतनी लगता है देखने में ऐसा लगता है मानो लिटिल बाबा लिटिल ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी कर रहे हो इतना बढ़िया स्ट्रोक लगाते हैं पैरों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं ऊपर पुल करने का प्रयास किया है लेकिन फील्डर मौजूद है पीसीआर जाले के अंदर साफ बाउंड्री सीमा के तरफ खींचा रही है एक रन पूरा किया दूसरा रन पूरा कर लिया और ये दोनों नौजवान है तो ये तीसरा रन भी चुरा लिया है ये तीन रनों की जरूरत जो थी वो पूरी हो चुकी है स्कोर हो चुका है 10 रन पिच क्यों ना काट दो तीरपन के जवाब में 10 रन लग चुके हैं चार ओवर के मुकाबले में ये विकेट बहुत क्रूशियल है और मुनियार चाहेगा कि यह बल्लेबाज आखिरी समय तक खेले फिर इस बार अच्छी गेंद थोड़ी सी लेंथ को खींचा है आबिद ने और कई लंबन की दिशा में जब तक फील्ड होगी एक रन और बनाने का मौका मिल गया इन बल्लेबाजों को शादी छोटे कद के हैं लेकिन क्या बल्लेबाजी करते हैं और इनके विकेट की जरूरत बहुत है धन्यवाद क्योंकि अगर ये बल्लेबाज रह गए दो ओवर भी खेल गए तो फिर मैच की तस्वीर बदल जाएगी ये देखिए स्ट्रोक लगाया है दर्शनी स्ट्रोक फील्डर मौजूद है और फील्ड खराब है लेकिन दोनों बल्लेबाज दूसरा रन चाह रहे हैं शादी लेकिन सलमान ने मना किया आपने छोड़ कर दोनों बल्लेबाज अपने क्रीज में सुरक्षित पहुंचे हैं तो आज दिल्ली जाते हुए रुड़की में और काफी ज्यादा रन छोटे आई है अस्पताल में भी एडमिट है ये विकेट की पर तो ना देखे तो तय कैसे देखे लेकिन फिर भी विराट कोहली ने जो छक्का लगाया था हरीश रोहित की गेंद पर वैसा ही कुछ स्ट्रोक लगाया है सीधे बल्ले से सीधे हम देख रहे थे लोकार के ऊपर से यहाँ से हुआ मैं कहा देख लो रुक परेशानी होगी तो मैच वहीं से शुरू होगा जहां से समाप्त होगा तो फिर देरी क्यों करनी आगे बढ़ चुका रहा अब्दुल्ला बुलाया जा रहा है दिमाग पर लेमन बॉलिंग करे क्या आवत है अब्दुल्ला ये अब्दुल्ला19 रन बोर्ड पर लगा दिए पूरी टीम संजयपुर अपने सारे काम धाम छोड़कर इस टूर्नामेंट में लगी रही कि कैसे इस टूर्नामेंट इस बार अच्छी स्कोर अच्छी विविधता दिखाई है रन आउट का चांस बन रहा है अपील की जा रही है मांग की जा रही है लेकिन अंपायर ने बिल्कुल अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं एक रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे स्कोर बोर्ड पर रनर की संख्या जा पहुंची अब 20 रनों पर 33 रनों की और जरूरत है बची हुई गेंद पर अभी इसके बाद दो ओवर और आना शेष है कुछ है लेकिन जब विकेट कीपर हो ना देखे सही से रहा टीम सामने मुंडिया अच्छी बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही है कमाल के इस पर पड़ गई है सिल्वर के तीन खुले पर चल गए पिछले चाहते थे कई और गेंद लगकर बल्ले का ऐसे करके फूट गए और आगे बड़े विकेट का पतन होता हुआ अब आमिर ने एक कंपनी खड़े हुआ वापसी कर रही इस मुकाबले में नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए निकल गए मुंडिया ले रखे मजा आ अरे ऐसे बहुत अस्सी साल हो ये तिमियो रही इलाहाबाद वाला प्लेयर वाला ओके पैरवा जब वो मारे था शटो ना ओके पैरवा से हल्का सा स्टंप ही लगवा और ऐसे ऐसे हो गया क्यों देखे क्यों देख भाई ना किए लेकिन वो विकेट की परवा मजबूर है अभी इसके बाद दो ओवर आना शेष है अगर सही तरीके से बल्लेबाजी की गई तो इस मैच तक पहुंचा जाएगा गेंदबाजी की है इन पर बल्लेबाज के रेंज में गेंद जरूर थी लेकिन सही तरीके से नहीं खेल पाए जब जाए लगे तब बैट पैर वापस फिसल जाते हैं अब ये सलमान है मुंडियार की जान किरण उम्मीद का ये बैक और इस टीम का रीढ़ की हड्डी है ये मैदान के अंदर रहे तो फिर मुंडियार की बल्ले बल्ले
یہ آؤٹ میچ کی تصویر بدلے گی جہاں رن آؤٹ کا موقع بن رہا ہے صحیح اینڈ پر کھڑا نہیں کیا گیا تھا بڑا آگ لگ سکتا تھا سلمان اس وقت کھٹک رہے ہیں کھڑوا کی آنکھوں میں اگر کھڑوا چکے گا کہ یہاں سے اس بلے باز کا وکٹ لے لیں پھر ان میچوں بنی رہی ہے لتا اور کہا تھا ریاض بھائی کہتے باہر جائے بھائی مڑیار والے ہاں بھائی تریپن کے جواب میں تمام سنجری برادرز نے کیا مقابلہ کروایا کیا شرنگلا کروائی ہے سب کچھ ایک رنتی کے تحت ان کے چل رہا ہے کل فیلڈنگ اچھی کر پائیں گے جی ہاں بالکل کر پائیں گے سلمان جتنے دیر سامنا کریں گے کیریئر کا اتنا ہی فائدہ ٹیم کو پہنچے گا سب کو بچے ہیں آپ اس کا اسکور ہو گیا ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت 23 رن بولنے پر چاہیے دو اوور میں 30 رن میچ بہت تگڑا ہوئی بھائی 30 رن چاہیے 12 بال پہ 23 رن بنے گئے اور 30 رنوں کی ضرورت ہے اتنا مارے کا جو اب تک ہے 15 رن اب تک جانا مارے اور اب کہیں تب وہ کتنا مارے تھے 18 رن مارے نہیں تو ای وارا میں ایم میں کم رن دیے تھے نا ارے کا اتنا مارا ایک بازو یہ اوور ہے ای اوور میں 10 15 رن آئے گا اب کی جیت ہی مڑ گیا اس بار بڑھیا اسٹروک لگانے کا پریاس کیا تھا ایک رن ٹیم نے بنا لیا ہے یہاں سے اب چاہیے 29 رن چاہیے تھا یہاں سے چاہیے 28 رن 11 جنے 28 رن یاسیر درکا دیکھ رہے ہیں لگاتار صبح سے ڈھونڈ رہے ہیں گراؤنڈ کیچ کے چکر میں میدان کے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں کیا بدیاوت مال کا کری ہوئے ہم لوگ کی آج کری قسمتیا دس بال 27 رن 27 رن 10 گیند 27 رن چلیے دیکھیے میچ ہے جو اپنے آپ پہ قابو کر کے میچ اچھا کرے گا تین گیندیں بچی ہیں اس اوور میں اور 15 رن بنانے تھے لیکن اب ہم کہیں نہ کہیں دیکھ رہے ہیں اس اوور میں دو بڑے اسٹروکس کی ضرورت ہے اگر یہ مقابلہ جیتتا ہے تو یہ قدم بیٹے سکس لگایا ہے اس بار پھر چلو اور وہ پکڑ لیے کے خیمے میں کیا بلے بازی چل رہی ہے سلوور پھینک دیے اس چھکے کی بدولت اسکور بڑھتا ہوا جا پہنچا 33 رن 20 رنوں کی ضرورت ابھی ایک اور آنا شیش ہے 8 گیندے 20 رن اب دو گیندے پر تب کچھ چاہیں گے کہ ایک بڑی باؤنڈریز لگا لے اور ایک خود مچھلی بلے باز ہے اچھی بلے بازی کر لیتے ہیں اس بار پیر پارا نہیں گیند کھیلا ہے لو آف کی دشا میں فیلڈر موجود ہے اب اس گیند پر ایک باؤنڈری ٹیم چاہے گی 19 چاہیے 7 گیندوں پر سیم والا ہے 7 گیندے 19 رن 7 بال 19 رن دلچسپ ہو چکا ہے کہیں نہ کہیں اس گیند پر اگر یہ ڈاٹ ہوگی تو کھڑے واپس ہوگی اور کہیں نہ کہیں اگر یہ 6 آ گیا تو پھر ایک رن کھیلنا چاہیے آسان ہو جائے گا گنا مت آئے لکش کے نزدیک ٹیم پہنچے گی اب دیکھتے اس گیند پر ہوتا کیا ہے گنا ڈیڑھ بال کرا دیا امپائر نے ہاں میں آئے ہوں ہاں بم 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 پھینکا تھا دیکھا تھا ہاں ایکدم بھوت تو آئے سات گیند بچی ہے اور سات گیند بچی ہے 19 رن ارے پھٹ گوا کہاں پھٹ گوا کافی اچھا بلے بازی اس میدان پر سبھی بلے بازوں سے دیکھنے کو ملی ہے اس میں سبھی آسانی رہا سنجھے کے نام جس طریقے سے کھیل گیا سلمان مرزا پہلے مقابلے میں کچھ کام کہاں گئے تین کا رن بنایا اور دوسرے مقابلے میں سلمان مرزا نے ایک بہترین سکتی کی ساجداری کی ہے یہ کھیل جو ہے امپائر نے کوٹ کر دیا ہے 19 رن کی ضرورت ہے ارے تم مارا تھا ایک دم مارے ٹیکا پھینکوائی اب
وليد کا نام ہے کا اچھا ابراہیم ابراہیم سلام بولا دن بھیا کھچا کی بات ہو تو ریاض بھائی سلام بول رہے ہیں شیخ محمد ابراہیم ایس پی پی برولی دبئی چلا گیا کھیلا یار مل کے کھیلا جا کہا مل کے کھیلا بلے بازی کے لیے اسپر پہ لایا جا رہا ہے چھوٹے گت کے ہیں اب سبو کیسے بلے بازی کریں گے چھ گیندوں پر 19 رنوں کی درکار ہے ایک پرانے کھلاڑی ہے وائٹ کا یہ فیصلہ نشچت طور پر اب چاہیے چھ گیندوں پر 18 رن چھ گیندیں 18 رن لگ بھگ ہر گیند پر 3 رنوں کی ضرورت ہے اسپر پہ لایا گیا ہے بلے بازی کے لیے سنجر پور کے تمام لوگوں نے مل کر اس ٹورنامنٹ آرگنائز کیا ہے اس بار بھی ہم دیکھ رہے ہیں لائن سے پھٹ کے چارا لینا چاہ رہے ہیں چارا چاہ رہے ہیں سلمان اس ٹائم پر لگے سب نے بنا کے اب وائٹ کا یہ فیصلہ چھ گیندیں 17 رن آج کا یہ دن بہت خاص رہا اس اخری پاکستان پر جس طریقے سے یہ کھیل دکھایا ہے سبھی ٹیموں نے چاہے وہ بیر پور کی ٹیم نہیں ہو چاہے وہ سنجر پور کی ٹیم نہیں ہو تمام ٹیموں نے اچھا کھیل دکھایا ہے منڈی آج نے اچھا کھیل دکھایا ہے راجا پور سکرور نے اچھا کھیل دکھایا ہے اور کھڑے ہوا بھی اپنا اچھا کھیل کا پردرشن کر رہا ہے چھ گیندیں 17 رن بچی ہوئی نردھارت چھ گیندوں پر 17 رن کی ضرورت ہے ٹیم منڈیا کو کھڑے ہوا بھی پانچ گیندیں 17 رن میچ کی تصویر یہ ہے کوارٹر فائنل میں پہنچنے کے لیے یہ پری کوارٹر فائنل کا مقابلہ ہے ناک آؤٹ کا مقابلہ ہے ہارنے والی ٹیم سیدھے اس ٹورنامنٹ سے باہر ہوتی ہوئی نظر آئے گی پانچ گیندیں 17 رن یہ ہمیں بنی دے آریا لازمہ پر پکڑے چار گیندیں 17 رن چار گیندیں 17 رن پچیلی چار گیندوں پر 17 رنوں کی درکار ہے اب منڈیال کے کھیلے میں کہیں نہ کہیں کون سنکٹ وہ چکن بن کے آتا ہے کون وہ بلے باز ہوگا جو اس ڈوبتی ہوئی نیا کو پار لگائے گا چار گیندوں پر 17 رن
تورنت نہ پھینک سکتے بعد مانیے آتی بھیا اب کیا چاہیے یہ ایک چھکا یہ مار پائی مار پائی چار پہ سترہ چار گیندے سترہ رن یہ کل تو کیا ہے چار یہ چوکے کی طرف جائے گی جائے گی جی ہاں جائے گی بھائی یہاں پر رکھ سی لگی یہ باؤنڈری سیمانے کا پر ہمارے والنٹیئرز کا بہت بڑا سہیوگ ہے سنجری کا چشمہ لگا ہوا تھا آخری دن میں بھی سمانی کیا جائے گا تین پہ تیرہ تین بال تیرہ رن اب یہاں سے بچی ہوئی تین لگے پر چاہیے تیرہ رن تین تیرہ تین تیرہ تین تیرہ نہ تیرہ نہ میرا نہ میرا اب چاہیے تین پر تیرہ ہاں اب جنتا چاہتی ہاں دیکھتے کیا جنتا ہے یہ بھی لگتے ہیں اس میں مجھے کچھ چاہیے او ہو اب چاہیے دو پہ سات سامنا ہے ایک سینئر کھلاڑی کا ایک نئے کھلاڑی سے ڈاکٹر صاحب تو ہے بھائی فرسٹ امپائر بھائی میراج ایک دم وہیں پہ رکا ہے آج رکا بچوں کچھ گڑبا کر آپ پھر وہیں پہ جائے گی ایک پہ چھ ایک بال چھ رن ایک بال چھ رن میں کہا ایک بال چھ رن کی ضرورت ایک کے چھ رن کیا ہوگا پٹک دیا ہے اور گیند کو نکال دیا ہے باؤنڈری کے باہر چھ رنوں کے لیے سلمان کا بلہ چل گیا اور ان کی ٹیم پہنچ گئی کوارٹر فائنل میں زبردست چلیے آج کا کھیل ہوا تمام ملتے ہیں کل کی شام سلمان نے آخری بال پر چھکا لگا کر منڈیار کو جیت دلا دیا وہ میں جب چھوٹا لڑکا رہا نا جنہیں کو پرانا پلیئر رہا تھا تھوڑا سا چلیے اب ملتے ہیں کل بھائی لوگ اللہ حافظ گڈ نائٹ شبھ راتری شب بخیر اپنا خیال رکھیے ٹاٹا بائے بائے سی یو ٹمارو لیتے